डियर स्टूडेंट्स हम कंटेंट एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे और प्रीवियस मेड्यूल्स में हमने इसका देखा कि कंटेंट एनालिसिस होता क्या है इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं और फिर हमने इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात की कि कंटेंट एनालिसिस जो एज अ रिसर्च डिज़ाइन उसके क्या फीचर्स होते हैं आज हम बात करेंगे अप्रोच टू कॉन्टेंट एनालिसिस बेसिकली देयर आर फोर अप्रोचेज टू द कॉन्टेंट अनिस डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेंट अनालिस इनफेंशियल कॉन्टेंट एनालिसिस साइकोमेट्रिक कॉन्टेंट एनालिसिस एंड प्रोडक्टिव कॉन्टेंट एनालिसिस अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेंट अनालिसिस की तो इसको कहा जा सकता है कि दिस इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट एनालिसिस एंड इन दिस फॉर्म ऑफ कॉन्टेंट अनालिसिस वी एक्चुअली स्टडी अ पर्टिकुलर मैसेज एंडकाइवल फैशन uh, जैसे कि आपने आ, एक आ, आपका रिसर्च क्वेश्चन ये है कि आपने न्यूज़ पेपर्स में आ, देखनी है एक पर्टिकुलर जो है पॉलिटिशन की कवरेज कि उस पॉलिटिशन की कवरेज प्रिंट मीडिया में आ, जो आ, एक उर्दू न्यूज़ पेपर है और दूसरा जो एक इंग्लिश न्यूज़ पेपर है उसमें उसकी कवरेज किस अंदाज से की गई है यानी उसमें उसके जो स्टेटमेंट्स हैं उसको पॉजिटिवली कितना बयान किया गया और नेगेटिवली कितना बयान किया गया है और उसकी स्टेटमेंट्स में कितनी डिसाइसिवनेस और अनडिसाइसिवनेस दिखाई गई है तो इस तरह की अगर स्टडी होगी तो हम इस स्टडी को जो कहेंगे वो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट एनालिसिस कहेंगे बट इन डिस्क्रिप्टिव कंटेंट एनालिसिस रिसर्चर अन केयरफुल टू लिमिट देयर कंक्लूजन टू द कंटेंट बींग स्टडीड इसमें जो रिसर्चर होता है उसका द होल पर्पज ऑफ द स्टडी इज टू जस्ट डिस्क्राइब द रिसर्च क्वेस्टन हाँ वो कोई इन्फेंसिस infer, uh, आ नहीं करता ना ही वो मैसेज का और कॉन्टेंट का बैकग्राउंड देखता है और ना ही उसमें जो सर्टन एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं एज अ सोर्स और रिसीवर Uh, उनको स्टडी कर रहा होता है लेट मी गिव्स यू द एग्जांपल ऑफ एनालिसिस ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन टेलीविजन करेक्टर्स ये एक स्टडी हुई टू uh, थाउजेंड में जिसमें ये देखा गया कि जो हॉलीवुड uh, है उसमें जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनको किस तरह के करैक्टर्स दिए जाते हैं और उनकी ओवरऑल uh, परसेंटेज क्या बनती है तो रिसर्चर्स ने इसमें Uh, 384 episodes of 87 prime time series on the 6 broadcast networks. Unhne study hai, aur They identified a total of 6199 characters. And after studying those characters, they found that they accounted for about 60% of the characters. Yani jo mein, uh, African American characters were 16%. विद मोर देन हाफ ऑफ ऑल ब्लैक करेक्टर्स अपेयरिंग इन सिट कॉम्स जिसमें से जो फिफ्टी परसेंट जो करेक्टर्स थे वो उनको एज कॉमेडी करेक्टर्स दिए गए थे जो कि वो सिट कॉम्स में अपेयर हुए हुए थे तो ये इसी तरह की स्टडीज आपको और भी मिलती हैं जैसे मैं आपको एक और स्टडी का इधर बताता हूँ कैन मोन्डेलो एंड विंसेंट डिड अ स्टडी ऑन दवरेज ऑफ वुमेंस एंड मैं बास्केटबॉल इन इंटरनेट स्पोर्ट्स मीडिया आउटलेट्स इस स्टडी में उन्होंने देखा कि जो बास्केटबॉल है क्योंकि अमेरिका में बहुत पॉपुलर है तो जब मेन बास्केटबॉल और वुमेन बास्केटबॉल को कंपेयर किया जाए तो उसकी न्यूज़ कवरेज कैसी है जो कि ग्लोबल इंटरनेट मीडिया स्पोर्ट्स आउटलेट्स हैं तो दे स्टडी टू हंड्रेड एंड फोर्टी नाइन आर्टिकल्स अपेयरड ऑन सी बी एस स्पोर्ट्स लाइन और ई एस पी एन एंड आउट ऑफ दैम ट्वेंटी और जो टू थर्ड थ्री फोर्थ आर्टिकल थे वो आपके फोकसड थे मेन्स बास्केटबॉल के ऊपर तो डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेंट एनालिसिस जो होता है इसमें हम बेसिकली जो है अपने मैसेज को स्टडी करते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी uh, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है और uh, इसमें हम पर्टिकुलरली देखते हैं कि को कोई पर्टिकुलर करैक्टर है वो कैसे रिप्रेजेंट किया गया है और uh, किसी uh, जो है पर्सनालिटी की जो स्टेटमेंट्स uh, uh, हैं वो कैसे प्रेजेंट की गई हैं तो मोस्टली डिस्क्रिप्टिव कंटेंट एनालिसिस इस फैशन में होता है